दुकान की जानकारी मांगने पर किए जा रहे हीले हवाले। सूचना का अधिकार लगाने के बाद भी नहीं दी जा रही जानकारी। यह मामला मध्य प्रदेश छतरपुर जिले का है, जहां जिला हॉस्पिटल छतरपुर में रेड क्रॉस द्वारा दुकानें बनवा कर आवंटित की गई थी, जिसमें एक दुकान राहुल गुप्ता के नाम से आवंटित हुई थी, जिस पर उसके रिश्तेदार ने जबरन कब्जा जमा लिया है। इसी बात को लेकर राहुल गुप्ता तने बिहारी लाल गुप्ता वार्ड नंबर 33 निवासी ने रेड क्रॉस प्रबंधन में दुकान आवंटित के कागजात मांगे, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा कई बार टाला मटोली की गई। थक हार कर उसने सूचना का अधिकार लगाया, तब भी उसे जानकारी नहीं दी गई। अपील करने पर जबलपुर से रेड क्रॉस सोसाइटी को 7 दिन में जानकारी देने का आदेश मिला, फिर भी उसे जानकारी नहीं दी जा रही है। आज जब उसने मंगल सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया तो कलेक्टर साहब ने भी सूचना का अधिकार का हवाला देकर आवेदन लेने से मना कर दिया। आखिर कलेक्टर महोदय ही जब सुनवाई नहीं करेंगे तो फरियादी आखिर कहां जाए। राहुल गुप्ता तनपसी जारी लाल गुप्ता पुराने कार्य के पीछे वार्ड नंबर 33। आज आपको जिला पंचायत क्यों आना पड़ा? जिला पंचायत हम इसलिए आना लगा कि हमारी छत्ताल चुनाव थे, दुकान नंबर 5 राहुल गुप्ता और वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से दुकान अलॉट हुई थी, हम दोनों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन मेरे पास उसके कोई कागज़ नहीं थे। तो मैंने जब कागज़ मेरे घर में विवाद चल रहा है, लेकिन मैंने कागज़ मांगे तो देने से मना कर दिया। इसके बाद मैं ITI मैंने लगाई, CFHO कार्यालय, मैंने जानकारी चाही, जानकारी में उन्होंने जो हमें दी बाद में उन्होंने ये लिखा कि वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा मना किया गया है, इसलिए मैं जानकारी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा किसी की मैं पर्सनल जानकारी नहीं मांग रहा हूँ, प्रॉपर्टी की जानकारी मांग रहा हूँ, वो भी मेरे नाम दुकान है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमें दे दिया। इसके बाद मैंने प्रथम अपील सागर की। सागर करने के बाद 45 दिन का समय होता है, 45 दिन बाद उनका लेटर मेरे पास भी आया और CMHO के पास भी आया। उसमें ये लिखा हुआ है कि राहुल गुप्ता द्वारा मांगी गई जानकारी 7 दिन के अंदर दी जाए। मैंने उनको 22 तारीख को रिसीविंग कराई, 22 तारीख से आज तक मुझे जानकारी नहीं दी गई। मैंने संयुक्त संचालक को मैंने निवेदन किया, फोन किया, संयुक्त संचालक ने मुझसे ये कहा कि आप कलेक्टर के यहाँ जाएँ, जन सुनवाई में उनको आवेदन दें। मैंने कहा जी सर, मैंने उनको प्रणाम करके फोन रख दिया। इसके बाद मैं आज जन सुनवाई में जब आया तो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया तो कलेक्टर साहब ने लेने से मना कर दिया। कहने लगे कि आप इसकी अपील करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने महोदय से निवेदन किया, महोदय आप यहाँ के रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, मेरे लिए कुछ मदद करें। चले अध्यक्ष हैं तो मैं क्या करूँ, आप अपील करो, अपील से जो आदेश होगा वो उनके लिए होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रभारी द्वारा सादिक खान द्वारा मुझे धमकी भी दी जा रही है, मेरा वापस लेने की दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना आवेदन वापस लें। बार बार परेशान किया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं दी जा रही, मुझे नकल नहीं दी जा रही उसकी, मैं परेशान हो रहा हूँ। किस तरीके की धमकियाँ दी जा रही हैं? धमकी दी जा रही है कि आप अपना आवेदन वापस ले लें। और सामने वाली पार्टी से वो मिले हुए हैं सादिक खान, जो वो बड़े आदमी हैं, उनके पास पैसा है, जो कुछ उनकी जैसी सेटिंग हो हमें, लेकिन जानकारी सादिक खान द्वारा नहीं दी जा रही है। मैं बार बार कल भी मिलने गया और मैंने रेड क्रॉस CMO साहब से भी मैंने निवेदन किया। CMO साहब ने कहा मैं लेटर बना के देता हूँ, उन्होंने लेटर भी बनाया सादिक खान को। ये सादिक खान द्वारा मुझे कल तक कोई जानकारी नहीं दी गई, मेरा 6 तारीख को पूरा हो गया। इसके बाद मैं परेशान हो रहा हूँ, यहाँ वहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, मैं सोने में आ रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपील कर सकूँ। साहब ने बोला कि आप अपील करिए भोपाल, हमने सर भोपाल कहते हैं वो जो होना हो वहाँ होगा। मैंने सर आप कल सीधा वो कहने लगे नहीं हमारे पास नहीं और ज़्यादा बहस कर रहे क्या। हमने सर ठीक है सर आप साहब।